इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अनियमित रूप से वितरित नहीं होते बल्कि निश्चित ऊर्जा स्तर में पाए जाते हैं। इन्हें इलेक्ट्रॉन कोश कहा जाता है। प्रत्येक ऊर्जा स्तर में बोरबरी योजना के अनुसार इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं। प्रथम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन तथा दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन परमाणु का 1 इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्षा में वितरित होता है। हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन भी प्रथम कक्षा में स्थान लेते हैं। लिथियम के 3 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन प्रथम तथा तीसरा इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में वितरित होता है। बेरिलियम परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्षा तथा बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में प्रवेश करते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। इन चित्रों के नीचे लिखी गई संख्याएं संबंधित कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं को दर्शाती हैं। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन परमाणुओं की इलेक्ट्रॉनिक संरचनाओं को बनाइए। आपके द्वारा बनाई गई संरचनाओं का दी गई संरचनाओं से मिलान कीजिए। ध्यान दीजिए, इन सभी तत्वों में 2 कक्षाएं हैं तथा इनके बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। नाइट्रोजन के संयोजी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा ऑक्सीजन के संयोजी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन के संयोजी कोश में क्रमशः 1-1 इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। अब सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना बनाइए। ध्यान दीजिए, इन सभी परमाणुओं में 3 कक्षाएं हैं तथा संयोजी कोश में क्रमशः 1-1 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई है। पोटेशियम तथा कैल्शियम के परमाणु में 4 कोश होते हैं तथा संयोजी इलेक्ट्रॉन चौथे कोश में वितरित होते हैं।